आप तो मुझे भेज सकते हैं, जो आपको सेक्शन में देख जाएगा heart के अंदर वो dollar sign वाला। या आप चाहे तो आप मेरे को वॉलंटरली भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मेरा यूपीआई आईडी कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा ठीक है कई बार मुझे पिन करना भूल जाता है तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन से भी यूपीआई आईडी देख सकते हैं स्टार्ट करते हैं ट इमर्ज एज द लार्जेस्ट इंडियन मेजर पोर्ट इन कार्गो इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर ठीक है तो कौन सा पोर्ट इमर्ज हुआ एज द लार्जेस्ट इंडियन मेजर पोर्ट द आंसर इज पर पोर्ट ठीक इससे पहले कौन सा था दीनदयाल पोर्ट इसने इसको सरपास किया है देखो ऑल तो मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे बट आप वीडियो जरूर देखना क्योंकि जैसे मैं बोल रही हूँ ना आपके दिमाग में चीजें रजिस्टर हो रही हैं अगर इंसान सिर्फ खुद से पढ़ता है ना तो उतनी जल्दी चीजें रजिस्टर नहीं होती हैं एज कंपेयर टू अगर कोई आपको बार बार ही चीजें बोलता जाए उससे दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं ज्यादा जल्दी विच बीन नेम्ड एज अ वर्ल्ड टॉप टेस्ट टेन बिजिएस्ट एयरपोर्ट फॉर ट्वेंटी तो किसको बोला गया है कौन इसमें आता है वर्ल्ड टॉप टेन बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में दिस इज योर डेली एयरपोर्ट एंड योर फर्स्ट एयरपोर्ट इसमें फर्स्ट आपका डेली आ गया ठीक है टॉप सेकेंड पोजिशन पे आपका आ गया दुबई वाला एयरपोर्ट एंड थर्ड पोजिशन पे डेलस

Or achieve karna disease elimination targets outlined in the Global Technical Strategy for Malaria 2016 to 2030. Okay. What is the name of the smallest model in Microsoft's new Phi 3rd family of open AI models? And the answer would be Phi 3 Mini. Which Indian United States tri service exercise recently concluded? The answer is Tiger Triumph 24. तो ऐसे क्वेश्चन मैंने अपनी कम्युनिटी में भी पोस्ट किए हुए हैं विच ऑपरेशन डिड द इंडियन आर्मी रिसेंटली कमेमोरेट एनिवर्सरी ऑफ ऑन ग्लेशियर ठीक है तो सर्चिन ग्लेशियर पे अभी पेटी एनिवर्सरी किसकी सेलिब्रेट की गई थी दैट इज ऑपरेशन मेघ दूत डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम्स ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हैज बीन एक्सटेंडेड है इसको कब तक एक्सटेंड किया है थर्टी फर्स्ट डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ठीक है तो आपको ये जो ऑप्शन है इनकी डिटेल्स में नहीं जाना बस आपको इतनी सारी बस जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना ही याद रखो लंपी स्किन डिजीज जो है ये किस स्पीसी से रिलेटेड है दिस इज रिलेटेड टू कैटल बिच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डेवलप लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट इन इंडिया दिस इज यूर डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन

भारत बायोटेक रिसेंटली पार्टनर विद बिल्थोविन बायोलॉजिकल बी वी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग विच टाइप ऑफ वैक्सीन के लिए इन्होंने को लेबोरेट किया है किस वैक्सीन की मैन्युफैक्चर के लिए दिस इज योर ओरलोलोर ओरल पोलियो वैक्सीन हु इज सेट टू बिकम फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट इन स्पेस ऑन ब्लू ओरिजिन एन एस ट्वेंटी फाइव मिशन ठीक है तो वो कौन है गोपी थोता कुरा, ठीक है तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट मैन इन स्पेस हमने स्कूल में पढ़ा है जीके बुक्स में वो कौन थे राकेश शर्मा द हीरो इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट बाय फोर शॉट्स विद टोटल ऑफ सेवनटीन अंडर सेटिंग न्यू रिकॉर्ड ठीक है तो किन्होंने ये जो टूर्नामेंट था ये जीता था बाय फोर शॉट्स

वो कौन है सिनर विच कार्सोनोजन वॉज रिसेंटली डिटेक्टेड इन सेवरल इंडियन स्पाइस प्रोडक्ट बाय हॉन्गकॉन्ग सेंटर फॉर फूड सेफ्टी एंड सिंगापुर फूड एजेंसी इन दोनों ने डिटेक्ट किया था एक कार्सोनोजन दो कैंसर कॉजिंग एजेंट होता है इंडियन स्पाइसेस में दिस इज योर इथिलीन ऑक्साइड वट इज दर्प ऑफ सक्षम ऐप रिसेंटली लॉन्च बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सक्षम ऐप क्या करती है ये असिस्ट करती है पर्सन विद डिबिलिटीज इन एक्सेसिंग वोटर रजिस्ट्रेशन विद इलेक्टोरल सर्विसेज ठीक है तो उनको हेल्प करती है जो ओवर जो फोन होते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज है और किस चीज में उनको हेल्प करती है एक्सेस करने में वोटर रजिस्ट्रेशन इलेक्टोरल सर्विस थ्रू वहां से अपना वोट वगैरह कास्ट कर सकते हैं उस एप से

आगे चलते हैं Who recently won the International द इंटरनेशनल वुमेन्स कैरम टाइटल फॉर द टाइम टाइम में किसने जीता था रश्मि कुमारी बी so रश्मि कुमारी जे एंड के बैंक अनाउंस पार्टनरशिप विद विच कंपनी टू इंट्रोड्यूस अ वर्चुअल एटीएम वी एटीएम फैसिलिटी इट इज पे मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तो इसमें क्या होगा आपका कार्डलेस होगा कैश तो आपको एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी कैश के लिए ठीक है जे एंड के बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप अनाउंस की है पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तो जम्मू कश्मीर की न्यूज है आपको ये भी पता होना चाहिए ओपन इन एंटार्क्टिका थ्री लास्ट अभी रिसेंटली थर्ड वन ओपन किया दैट मीन उससे पहले टू जो है ऑलरेडी ओपन हुए थे हु ऑनर्ड विद लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ऑन अप्रैल ट्वेंटी फोर्थ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर द आंसर इज डी अमिताभ बच्चन ठीक है तो ये आर्ट कल्चर वगैरह इस कैटेगरी में दिया जाता है विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू रोल आउट अ न्यू वैक्सीन ठीक है जो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट फाइव ऑफ दस बैक्टीरिया द कंट्री इज डी नाइजेरिया वट रिसेंट चेंज हैज बीन मेड रिगार्डिंग खेलो इंडिया एथलीट्स तो क्या चेंज लाई है उनमें कि जो खेलो इंडिया एथलीट्स हैं दे आर नाउ एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब तो आंसर वुड बी सी विच स्टेट विल होस्ट स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप इन सितंबर तो कौन सी स्टेट करेगी होस्ट ए चेन्नई हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज एन ऑन फील्ड अंपायर इन अ फुल मेंबर मेन्स टी ट्वेंटी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए द आंसर इज सी किम कॉटन In the sixth round of Prague International Chess Festival 2024, Masters whom did Indian Grandmaster R Praggnanda defeat to retain the fourth spot in the tournament? ठीक है तो R Praggnanda ने किनको defeat किया था इसमें fourth spot को uh, retain करने के लिए? This is your D Nodirbek Abdusattorov, जैसे भी pronounce करना है बस याद रख लो Nada Ada, कुछ लिखा हुआ है ऐसा Who was appointed as the chef de mission on the Indian contingent for the Paris Olympics? And the uh, answer to this question is A. Maricom. Who will be the flag bearer for India at the Paris Olympics? And the answer is C. Sharath Kamal. Where were the fourth edition of Khelo India Winter Games hosted? Fourth edition of Khelo India Winter Games. लेह लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर ठीक है हमारा हमारी यूटीए तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए हाउ मेनी एथलीट्स पार्टिसिपेटिंग इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ फोर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स इन लेह लद्दाख द फर्स्ट पार्ट इसका लेह लद्दाख में हुआ था उसके बाद जम्मू कश्मीर में ठीक है तो आंसर है इसका बी सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड which टू स्पोर्टिंग इवेंट्स वर featured इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स तो फर्स्ट पार्ट में कौन से दो आ, ये थे इसमें विंटर गेम्स आइस हॉकी एंड आइस स्पीड स्केटिंग आंसर बी बी। दोल गोल्ड मेडल फॉर जम्मू एंड कश्मीर इन द फोर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स एक इकलौता गोल्ड मेडल किसको मिला था जे एंड के में तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज शाहिद अहमद चाची विच टीम टॉप द मेडल्स टैली इन द फोर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स तो किस टीम ने ओवरऑल सबसे ज्यादा मेडल लिए थे दिस इज ये फोर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स तो कौन सी टीम सेकेंड थी कर्नाटका ठीक है तो कर्नाटका को क्या मिला था इसको मिले थे नाइन गोल्ड एंड टू सिल्वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेर वॉज द इंडिया डिजिटल समिट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ऑर्गेनाइज इट वॉज ऑर्गेनाइज इन Mumbai. When is the World Hearing Day celebrated every year? The answer is C. 3rd March. What is the theme of World Hearing Day 2024? This is changing mindset. Let's make air and hearing care a reality for all. Okay? So, to is the theme. Where Where will all, where will all the Indian Navy's new naval detachment be established? इसका एक नया नेवल डिटैचमेंट जो है, हो रहा है और वो किस जगह पेटैब्लिश होगा मेनेकॉय ये मेनेकॉय आईलैंड कहाँ पे लोकेटेड है ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ हु वॉन्ट द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द्रेट ओपन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर रेसलिंग टूर्नामेंट इन क्रोएशिया तो वो किसने जीता था फॉर इंडिया द आंसर इज डी

आंसर इज बी सिक्सटी सिक्स परसेंट इन द रीसेंट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स वॉज इंडिया इज रैंकिंग रिसेंट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो दिया रिलीज हुआ था उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग क्या थी सेवेंथ ठीक है तो सिंस आपका जो ये इंडेक्स वाला एक चैप्टर था वो आपके सिलेबस का पार्ट था इस वजह से मैंने कुछ इंडेज भी इसमें इंक्लूड किए हुए हैं

What is the theme of International Women's Day 2024? This is Invest in Women and Accelerate Progress. Who was selected as the Culture Ambassador of the Year under the National Creator Award 2024? And the answer is A. Maithili Thakur. I think she a singer. Hai, Maithili Thakur. Haan, singer yeah. Who was selected as the Best Creator in the field of Social Change under its National Creator Award 2024? आंसर इज जैकशोरी अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किया क्योंकि उस टाइम पे वो न्यूज में उनकी क्लिप्स वगैरह काफी फेमस हो रही थी कि उनका वो क्या बोलते हैं सोसाइटी वगैरह के बारे में विच कंट्री हैज गिवेन द प्रेस्टिजियस मीजल एंड रुबीला कैंपेन ग्लोबल अवार्ड इन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर दिस इज इंडिया और ये हुआ कहाँ पे था ये कैंपेन या ये हुआ कहाँ पे थे अवार्ड्स ये हुए थे वॉशिंगटन में वॉशिंग ठीक वे वॉज द वन ट्वेंटी फाइव फुट स्टैचू ऑफ लचित बोरफुकन अनवील्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर तो ये कहाँ पे किए थे असम जोरहत तो द आंसर वुड बी सी वेयर इज द फर्स्ट होम्योपैथिक कॉलेज इन नॉर्दर्न इंडिया टू बी एस्टैब्लिश्ड कठुआ जम्मू एंड कश्मीर जो भी जम्मू एंड कश्मीर की न्यूज है वो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही हुआ शहबाज वुड बी डी माइक्रोसॉफ्ट अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द आंसर इज बी मुस्तफा सुलेमान विच एयरलाइन वॉज अवॉर्डेड एयरलाइन ऑफ दर एड द एयर ट्रांसपोर्ट अवॉर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर दिस इज इंडिगो सी इंडिगो ठीक है हमारा इंडिगो कहाँ पे हुए थे ये हुए थे ग्रीस में अमंग जी ट्वेंटी नेशन विच पोजिशन डज इंडिया होल्ड एज द लार्जेस्ट डिजिटलाइज कंट्री तो लार्जेस्ट डिजिटलाइज कंट्री में इंडिया कहां पे आता है थर्ड नंबर पे तो आंसर वुड बी सी थर्ड वट इज ने स्पेशाइज टेक्नोलॉजी बाई द इंडियन आर्मी फ्यूचर के लिए स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी किया है इनग्रेटेड द फर्स्ट एवर बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप इन न्यू डेली तो वो किसने इनोग्रेट किया था यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने ठीक है तो बिम्स्टेक बेसिकली आपका कंट्रीज uh, का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन वगैरह के लिए ठीक है तो आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना इसमें ही बांग्लादेश इंडिया एंड आपका म्यांमार आ गया श्रीलंका आ गया ठीक है थाईलैंड बे ऑफ बंगाल के ग सेवन कंट्रीज जो है वो इसके मेंबर्स है वो आपके सिलेबस में नहीं है वो आपसे नहीं पूछेंगे हु इनोग्रेटेड इंडिया एनर्जी वीक ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इन गोवा तो इंडिया इसमें से दो चीजें क्वेश्चन आपके बनते हैं एक तो इंडिया एनर्जी वीक हुआ कहाँ पे था ये गोवा में हुआ था एंड इसको इनोग्रेट किसने किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विच हैज़ द इंडियन नेवी डेजिग्नेटेड एज द ऑफ़ नेवल सिविलियंस तो ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस किसको बोला है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग इंडिया फर्स्ट फीमेल क्यूरेटर तो कौन है वो दिस इज योर जयसिंधा कल्याण वट इज द मेन वट इज द नेम ऑफ इंडिया फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट दैट इस्लान स्पेस ठीक है आपका जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगा पहला फीमेल रोबोट कौन सा है जो स्पेस में भेज रहा है अपने गगनयान मिशन से पहले गगनयान जिसमें फ्लाइट में पहला आ, ऐसा ये होगा जिसमें फ्लाइट में लोग जाएंगे ठीक है इंडियन एस्ट्रोनॉट जाएंगे स्पेस में तो उस गगनयान मिशन से पहले स्पेस में फीमेल रोबोट कौन सी जा रही है व्यवित्रा

25 मीटर पिस्टल इवेंट एट द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप दैट मींस कितने ये जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो वो कोटा कितना उनको मिला रिदम सांगवान को द आंसर इज बी 16 हाउ मेनी टोटल मेडल्स रिदम सांगवान विन एट द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप द आंसर इज सी 5

विदाउट रिपोर्टर्स विदाउट रिपोर्टर द ट्वेंटी चैंपियनशिप हेल्ड तो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव बी डब्ल्यू एफ वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप कहाँ होगी इट विल बी हेल्ड इन गुवाहाटी विच इवेंट डिड इंडियन पैरा एथलीट दीप्ति जिवा विन अ गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ट्वेंटी तो इनको किसमें गोल्ड मेडल मिला था सी वुमेन्स टी ट्वेंटी मीटर्स विच कंट्री हैज बीन कंफर्म्ड एज होस्ट फॉर द एएफसी एफ वुमेन्स एशियन कप 2026 तो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी डी ऑस्ट्रेलिया वट इज द प्राइमरी एम ऑफ द लेट्स मू इंडिया कैंपेन लॉन्च बायल ओल्पिक कमिटी इन कोलाबोरे अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन प्राइमरी एम ऑफ लेट इंडिया कैंपेन क्या है इट इज सी टू एनकरेज पार्टिसिपेशन इन द फिजिकल एक्टिविटी और सेलिब्रेट करने के लिए ओलम्पियंस को हु वर नेम्ड द प्लेयर ऑफ द इयर फॉर ट्वेंटी थ्री इन द मेन्स एंड वुमेंस कैटेगरी अवार्ड इट इज सी हार्दिक सिंह एंड सलीमा तेट हु इज द यंगेस्ट इंडियन बिलेर इन दिस्ट एंड वट इज हिज एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी निखिल कामत थर्टी सेवन ईयर्स मुझे कॉमेंट्स में बताओ जो निखिल कामत है ये किस चीज के ओनर है ठीक है इनकी कंपनी का नाम बताओ हु वॉज अवारेड प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड फॉर द इयर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर And the answer is A. Meena Charanda. Professor Meena Charanda. Which state in India has the highest number of geographical indicator certified products to Konsi state hai? This is your D Uttar Pradesh. What remarkable feat did Mahinda Singh Dhoni achieve during an IPL match between Delhi Capitals and Chennai Super Kings? He recorded 300 dismissals as a wicket keeper in T twenty cricket.

Which of the following products from Tripura recently received the prestigious geographical indication tags? This is a Matabari पीरिया Prasad, Rignai Pachara Textiles and Resa. ठीक है अब देखो आपको क्या करना है ऑल तो मैं आपको इसका पी भी दे दूँगी आप ये ऐसे रिवाइज नहीं करना आप ये वीडियो लेक्चर दो तीन बार देख लो आज दो तीन बार देख लो ठीक है उसके बाद चार पांच दिन के बाद एक बार ही देख लो अगर आप अभी नॉर्मल स्पीड से देख रहे हो फिर थोड़ा स्पीड को आप चेंज इंक्रीज करके देखो फाइन इससे क्या होगा जो मैं बार बार बोलती बोलती जाऊंगी आप नाम सुनोगे तो आपके दिमाग में खुद जो है बुंदेलखंड रीजन इन यूपी हैज बिन ग्रांटेड द प्रेस्टिजियस जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एंड दिस इज येहू ठीक है रिसेंटली इन विच ग्लोबल रैंकिंग डिड इंडिया सिक्योर द टेंथ पोजिशन नोटेबली स्कोरिंग हाई इन इम्पैक्ट प्रोफेशनलिज्मेक्निकल स्किल्स ये मिला था वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में इंडिया को टेंथ रैंक रिसेंटली अकॉर्डिंग टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा रिपोर्ट किस कंट्री के सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ डोपिंग ऑफेंडर्स हैं ठीक है जो डोप किसके लिए करते हैं ये किससे रिलेटेड होता है आपके स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उससे ड्रग्स वगैरह लेते हैं खुद की एक्टिविटी जो है उसको एनहैन्स करने के लिए अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को तो द आंसर इज डी इंडिया इन विच कैटेगरी वे डेड इंडिया उदित सिल्वर मेडल एट द एशियन चैंपियन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इन बिशकेक किर्गिस्तान And the answer is B, Men's 57. Who stands as the highest wicket taker in IPL history? And the answer is Yuzvendra Chahal Who has been named the official ambassador for the upcoming ICC Men's T-20 World Cup? The answer is Usain Bolt. Which Indian athlete clinched a gold medal in a hammer throw event at the 21st U-20 Asian Athletics Championship 2024 to hammer throw uh, event May. ने गोल्ड लिया था द आंसर हर्षित कुमार विच इंडियन एटेक स्टार्टअप द टॉप स्पॉट इन टाइम्स मैगजीन वर्ल्ड इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर रैंकिंग एमेरिथस विच एक्शन डिड द आईसीसी टेक अगेंस्ट वेस्ट इंडीज प्लेयर डेवन थॉमस डेवन थॉमस के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया है फॉर करप्शन फाइंड फॉर नो ही वॉज नॉट फाइंड ही वॉज

ये अलो करती है वोटर्स अबो एटी फाइव ईयर्स ऑफ एज एंड एंडसन विद डिसबिलिटीज टू कास्ट देयर वोट्स फ्रॉम होम ठीक है तो इसमें मैंने जो पहले एक क्वेश्चन लिखा था उसमें सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटीज का लिखा हुआ है लेकिन ये अलो करती है वोटर्स अबोव ट्वेंटी एट्टी फाइव ईयर्स ऑफ एज ऑल्सो टू कास्ट देयर वोट फ्रॉम होम हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर ट्वेल्व थाउजेंड रन इन टी ट्वेंटी फॉर मैन दिस इज योर विराट कोहली

प्रॉब्लम हो जाएगी एंड चीजें सही से याद नहीं रहेंगी अगर आप वीडियो को एक दो बार ही रहे हो ऐसे चीजें ज्यादा अच्छे से दिमाग में रजिस्टर हो जाती है तो नेक्स्ट वीडियो में यू का मैराथन लेके आऊंगी प्लस एमसीक्यूज एंड उसके बाद स्कीम्स ठीक है तो ये आपका करंट अफेयर्स जितने पढ़ा था वो अपने नोट्स को सप्लीमेंट कर लेना जिसने अभी तक करंट अफेयर्स टच भी नहीं किया है वो बस इतना कर लो क्योंकि यू डोंट हैव टाइम आप करंट अफेयर्स पे ज्यादा टाइम अभी नहीं लगा सकते हो तो मीन अगर कोई और इंपॉर्टेंट अपडेट मुझे करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग लगेगा वो मैं ऑब्वियसली आपको दे दूंगी ठीक है तो टिल द टाइम अपलोड न्यू वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे